हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। पहली टिप होने वाली है अंगूर को लेके। दोस्तों, अंगूर खाना हम सबको बहुत पसंद होता है और हमें खाने भी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम मार्केट से अंगूर लेकर आते हैं तो हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके खाते हैं, जबकि हमें इसी तरीके से खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए काफी सारे केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। और आपने कई बार देखा भी होगा इनके ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, आपको इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जो होगी स्किन आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये इनके ऊपर एक टाइप का केमिकल्स लगा होता है जो कि नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद भी नहीं जाता। तो आपको इनको खाने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। तो आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूं कि आप इनको किस तरीके से वॉश करें कि जिससे कि ये बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाएं। तो उसके लिए आपने क्या लेना है, आपने लेना है एक बाउल और उसके अंदर डालना है आपने नॉर्मल पानी। और इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर एक चम्मच नमक। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पानी में मिला देना है। आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी आपने अंगूर खाने हैं, आपने इसके अंदर इसको कम से कम आधे घंटे के लिए डिप करके रख देना है। और आधे घंटे के बाद आपने ये देखा है, इसका ये जो व्हाइट व्हाइट स्किन है, इसको आपने अच्छी तरीके से आपने पानी के साथ रब करके क्लीन कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, इसके ऊपर जितना भी केमिकल लगा हुआ है वो सारा का सारा जो है नमक वाले पानी से या बेकिंग सोडा के पानी से निकल जाएगा। उसके बाद ये आपके अंगूर एकदम केमिकल फ्री खाने के लिए हो जाएंगे, तब आप इनको आसानी से खा पाएंगे और ये किसी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है मिर्ची को लेके। दोस्तों, मिर्ची का इस्तेमाल तो हम सब खाने में करते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डिश में हमें मिर्ची के बीजों की जरूरत नहीं होती, खाली स्किन चाहिए होती है, तो हमें इसके बीजों को अलग करना होता है तो हमें काफी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको मिर्ची को बीजों से अलग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मिर्ची को लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से हथेली के बीच में रखते हुए आपने मिर्ची को हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करना है। ऐसा करने से क्या होता है, मिर्ची की स्किन सॉफ्ट हो जाती है और इसके अंदर वाले बीजों को वो लूज कर देती है। उसके बाद आपने लेना है नाइफ और उसको बीच में से कट कर देना है। कट करने के बाद जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो सारे के सारे बीज हैं बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से बीज बाहर आ जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली काटकर अब इसकी स्किन को यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर के लिड को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम कुकर में खाना बनाते हैं लेकिन क्या होता है कि हमारी विसिल नहीं बजती है और प्रेशर भी नहीं निकल रहा होता है और हमारा जो कुकर है वो सूं 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 करता रहता है और उसके अंदर से विसिल नहीं बजती है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमारी विसिल नहीं बजती है और ये हमारे लिए काफी हानिकारक भी होता है। इससे जो है कई बार दुर्घटना होने का भी कारण बना रहता है। तो इसलिए जब भी आपका कुकर विसल ना दे और सिर्फ सूसू की आवाज करे तो आपने अपने घर पे एक सिंपल सा टेस्ट करना है। उसके लिए आपने एक बर्तन लेना है और बर्तन के अंदर आपने इस तरीके से कुकर की लिड के ऊपर पानी डाल देना है। अगर तो आपका पानी इस तरीके से फ्रीली निकलेगा तो इसका मतलब आपका जो है कुकर की लिड बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें से पानी फ्रीली नहीं निकलता है, रुक रुक के निकलता है, तो इट मीन्स आपके कुकर के फटने का डर बना रहता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है सुई और सुई की मदद से आपने इसके ये जो होल्स हैं इनको अच्छी तरीके से खोल लेना है। ये देखिए, इसके साइड्स पे जो होल है इनको आप अच्छी तरीके से खोल ले, खोलकर आप इनको क्लीन कर ले। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी कचरा इसके जो होल्स के अंदर फंसा हुआ है वो सारा का सारा पिन के थ्रू निकल जाएगा और जब आप नेक्स्ट टाइम इस कुकर को यूज करेंगे तो इसके विसल बजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जिससे आपके घर पे कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहेंगे।
चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल्स को लेके। दोस्तों जब भी हम नेल्स कट करते हैं तो क्या होता है कि नेल कटर से नेल कट करने के बाद नेल्स जो है हमारे घर में इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे कि हमें इसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये हमारे घर में कहीं भी फैल जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप नेल्स भी कट कर पाएंगे और ये आपके नेल्स जो है इधर उधर घर में फैलेंगे भी नहीं। उसके लिए आप क्या करें, आप लें इस तरीके से एक पॉलिथीन, और पॉलिथीन लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ को इसके अंदर डालकर अपने नेल्स कट करने हैं। इस तरीके से अगर आप अपने नेल्स को कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं वो उड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे, वो सारे के सारे आपके पॉलिथीन के अंदर ही इकट्ठे होंगे, जिससे आपका समय तो बचेगा और साथ साथ आपके जो नेल्स इधर उधर बिखर जाते थे उधर भी नहीं बिखरेंगे और आपका क्लीनिंग भी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये देखिए मैंने अपने नेल्स कट किए हैं तो मेरे सारे के सारे जितने भी नेल्स थे वो सारे के सारे इस पॉलिथीन के अंदर ही इकट्ठे हुए हैं। अब इसके बाद आप इसको पॉलिथीन के अंदर बंद करके अपने बड़े वाले डस्टबिन के अंदर थ्रो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की मोटी मोटी जैकेट्स को लेके। दोस्तों जब भी हम इनको नॉर्मली फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखा है कि ये हमारी अलमीरा में बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती हैं, जिसके कारण बाकी कपड़ों को रखने के लिए जगह नहीं बनती है। और आपको पता ही है सर्दियों में हमारे ढेर सारे कपड़े होते हैं तो अगर हम उनको ढंग से ना रखें तो हमारी अलमीरा में जगह नहीं बनती। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो आपके स्पेस भी कम लगेगा और आपके अलमीरा में और भी कपड़े आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करनी है, इस जैकेट को आपने नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो दोनों स्लीव्स हैं उसमें से हमने स्लीव्स को इस तरीके से इसके अंदर कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कैप वाला हिस्सा है इसको हमने इसके अंदर रखते हुए अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमने डाल देना है ये इसके अंदर वाले पार्ट के अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस जैकेट को अंदर डाल दिया है। इस तरीके से ये हमारे एक छोटे से पैकेट की तरह पैक हो जाती है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको खड़ा करके भी रख सकते हैं और इस तरीके से ये आपके बहुत ही छोटी सी ही जगह पे बड़ी ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकती है। और आपने देखा है कि अगर हम नॉर्मली जैकेट को फोल्ड करके रखते हैं तो वो हमेशा उसकी जो तह है वो खुल जाती है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी तह भी नहीं खुलेगी और बहुत ही कम स्पेस में ये आपके ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बल्ब को लेकर। दोस्तों कई बार क्या होता है, अक्सर हमारे घर पे बल्ब जो है खराब होते ही रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन बल्ब्स को उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज इनका एक बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, आप जो है इसके जो ये प्लास्टिक वाला हिस्सा है इसको आप खोलकर बल्ब से अलग कर ले। अब हमें लेना है एक पेन और पेन की मदद से हम इसके इधर की साइड के ऊपर निशान लगा लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको एक पेन की मदद से यहां पर निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी गर्म रोड की मदद से इसके अंदर जहां जहां हमने निशान लगाए हैं वहां वहां हम होल कर लेंगे और साथ ही साथ मैं दो निशान इसके ऊपर की साइड भी लगा रही हूं। तो हम इसके दोनों की साइड पे दो होल ऊपर की साइड भी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि मैंने इसके सारी तरफ होल कर लिए हैं और मैंने इसके ऊपर की साइड भी इस तरीके से होल कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है एक मोटी सुई जिसमें कि मैंने धागा डाल रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर से होल किए हैं इसके अंदर हम इस तरीके से सुई को डाल देंगे। इसके बाद ये ऊपर वाले धागे को हमें पकड़कर अच्छी तरीके से एक नोट को बांध लेना है। ये देख सकते हैं ऊपर वाले धागे पे मैंने एक नोट बांध दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेनी है इस तरीके से एस हुक और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सारे के सारे होल बनाए हैं इसके अंदर हम अपने इन एस हुक को डाल देंगे।
ये देख सकते हैं दोस्तों, सारे के सारे एस हुक थे, मैंने जितने भी इसके होल थे उसके अंदर डाल दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने अपने किचन में हैंग कर लिया है और इसके अंदर मैंने अपने डेली यूज होने वाले कप, अपने स्पैचुलास और अपना जरूरत का सामान हैंग कर लिया है। इस तरीके से आपको बर्तन स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने ढेरों बर्तन इसके अंदर ऑर्गेनाइज आप करके रख पाएंगे। दोस्तों, जब भी हम बिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके के बिंदी के खाली पैकेट पड़े रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी इस तरीके के बिंदी के खाली पैकेट हैं उसको आपने ले लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है अपने सिलेंडर के नीचे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पास सिलेंडर का स्टैंड नहीं होता है, अगर हम इसी तरीके से सिलेंडर को रखते हैं तो आपने देखा है कि हमारा फर्श जो है पूरी तरीके से खराब हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के बेकार पड़े हुए बिंदी के पत्तों को अपने सिलेंडर के नीचे रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फर्श पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, आपका फर्श साफ रहेगा और साथ साथ आपका सिलेंडर भी नीचे से सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।